बलवंत, सूटकेस जरा संभाल के रख, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। क्यों जिज्जे, आज भल्ला के भारी सूटकेस को जरा हल्का कर दे। बिल्कुल, मेरी धूम धड़ाका गोली किस दिन काम आएगी। कितनी शानदार है ये ट्रेन। हाँ, फिंटूश नगर की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो अब सीधे राजनगर जाके रुकेगी। पर ये बंदूकनी जी इतनी स्लो कैसे हो गई? अगर वो ट्रेन का उद्घाटन करने जल्दी नहीं आई तो ट्रेन छूटने में देर हो जाएगी। अरे बाबरी भूत जी, अरे ये मैडम जी का स्टाइल है। टोलके, इंस्पेक्टर बंदूकनी ट्रेन के ठीक सामने खड़ी है, यही सही मौका है। इसने हमें बहुत दौड़ाया है, आज इसे दौड़ाते हैं। सही कहते हो जीजे। ट्रेन तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ओ कोई बचाओ मुझे। जे, ओ तेरी मेटल हेड तो कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हैट। इन चाचा भतीजे ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, अब हम इस धूम धड़ाका गोली का इस्तेमाल करके इस सुपर फास्ट ट्रेन में सुपर फास्ट पैसे बनाएंगे। वैसे पल्ला जी, हम जहाँ कह रहे हैं? ओ कहीं नहीं पम्मी, नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है तो टिकट डिस्काउंट ऑफर में आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने खरीद ली। अटेंशन, हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं। हम पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं, समझे? सब लोग फैल जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। हल्ला जी, मसाला चाय लेंगे सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए? बिल्कुल नहीं लेंगे। ढाबे पर 5 रुपए और यहाँ 20। सुपर फास्ट ट्रेन में चाय के दाम भी सुपर फास्ट बढ़ गए। ये मेरी धूम धड़ाका गोली उसे ऐसी नींद सुला देगी कि कोई धमाका भी उसे जगा नहीं पाएगा। चाय चाय मसाला चाय। अरे तुम फिर आ गए। अरे बोला ना नहीं चाहिए तुम्हारी महंगी मसाला वाली चाय। चलो निकलो। सुनिए तो सही, हमारे मिमिक्री भाई ने एक नई स्कीम चालू की है। सर आप ये चाय पी कर तो देखिए, अगर पसंद नहीं आए तो पैसे मत देना। चाय पी जाऊंगा और कह दूंगा कि पसंद नहीं आई। फिर तो चाय फ्री। ठीक है ठीक है, 2 चाय देना मुझे और पम्मी जी को। यस सर। मुझे चाय पसंद नहीं आई तो मैं चाय पैसे। सुपर फास्ट ट्रेन है, यहाँ नहीं रुकेगी, अब क्या करेंगे? पीछे के खाली डिब्बे में चलते हैं और देखते हैं सूटकेस में क्या मिलता है। कंघी, टूथब्रश, शर्ट, जूते, सारी चीजें डायनासोर के जमाने से भी पुरानी लग रही है। पता नहीं भल्ला कितने जन्म से इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा सूटकेस।
मेरा सूटकेस कोई चुरा ले गया, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हेलो बंदूकनी जी, कोई ट्रेन से मेरा सूटकेस चुरा ले गया। चिंचे, ओछा के नाम पर भी ये कमीज नहीं बिकेगी। अच्छे इंस्पेक्टर बंदूकनी, चिंचा हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पर भिखारी बन जाते हैं, अब क्या करें? दे दे दे। रहबाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। चाय पीते ही हम लोग सो गए और चोर अपना काम कर गया। हाँ जी, मुझे भी चाय पीते ही नींद आ गई और मेरा भी सामान चोरी हो गया। हाँ, मेरा भी सामान चोरी हो गया। जरूर इनकी मसाला चाय में मिलावट है। आए, मैं मसाला चाय में मसाला तक नहीं मिलाता। आप मिलावट की बात कर रहे हो? आए, मेरे भोले भाले और छोटे से लड़के ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। छोटे? अरे पेड़ जितने लंबे थे वो लड़के और उनकी बातें उनसे भी लंबी। तभी मैं सोचूं मुझे फ्री में चाय क्यों पिलाई। फ्री चाय? कभी नहीं। हम मुगलों के जमाने के चाय वाले हैं, पहले पैसे लेते हैं फिर चाय देते हैं। मेरे लड़के कभी फ्री की चाय नहीं देंगे। मिमिक्री अंकल कहते हैं लड़के छोटे हैं, भल्ला अंकल कह रहे हैं लड़के लंबे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर मिमिक्री अंकल के लड़कों ने भल्ला अंकल को चाय नहीं दी तो किसने दी? पता लगाना होगा। हाँ, चाय के निशान, देखते हैं ये कहाँ ले जाते हैं। लगता है मिमिक्री अंकल के लड़के मिल गए। ओए बाप दीजे, क्या दिमाग लगाया है। मैंने कहा था ना, मेरे लड़के ऐसा काम कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। पर जिन्होंने ये किया है उन्हें जरूर पकड़ना होगा। आइडिया। अरे संभाल के लाला जी, वरना सूटकेस में रखे सोने के जेवर बाहर गिर जाएंगे। फिर हम हीरा सिंह की शादी में क्या मुँह लेकर जाएंगे? ऐसी शादियाँ बार बार देखने को नहीं मिलती। ओए बेशक तो बेशक। चलो जिज्जे, सुपर फास्ट ट्रेन में एक और सुपर फास्ट चोरी हो जाए। हाँ, हो जाए। चोर हाथ लगते ही सारा कर देना, मेरी लात तैयार है। ठीक है बंदूकनी जी। हेलो जी, कैसे हैं? लीजिए भजिया टेस्ट कीजिए, लंबा सफर है, खाते पीते कट जाएगा। ओए लगता है चोर ये है। बहुत शुक्रिया, बड़ी भूख लगी थी। चिंचे, इसे नींद क्यों नहीं आ रही? उसको स्प्रे ट्राई करो। लगता है आप किसी शादी में जा रहे हो, ये परफ्यूम आपको पसंद आएगा। हेलो 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 बंदूकनी जी, चोर अभी सूटकेस लेकर भागे हैं। चाचा, आपने भजी नहीं खाए पर उनके परफ्यूम के झांसे में आ गए। हेलो भतीजे। हमारे पास पहुंच रहे हैं। इस मोटे सूटकेस में पहिए भी नहीं है, अब क्या करें? ये क्या है, मैं कहां हूं? टिकट चक्कर जी, क्या आपने दो चोरों को कहीं देखा है? हाँ, डंका और ढोलकी आगे गए हैं। ओ जी थैंक यू, टीसी ने कहा है डंका और ढोलकी आगे गए हैं।
पर टीसी को कैसे पता कि चोर डंका और ढोलकी है? यानी टीसी ही चोर है, पकड़ो उन्हें। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। चोर? कौन सा चोर? मैं तो टिकट चेकर हूँ। ये नहीं, जो पहले टीसी बनकर आए थे, यानी डंका और ढोलकी, वही चोर है, पकड़ो उन्हें। बाय बाय। इब जाके तुम दोनों सही पटरी पर आए हो। चिंचे, पीछे तो डेरन है, यानी खेल खत्म। वेलकम बैक जी। कानून के हाथ और बंदूक निकी लात से कोई न बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। खामोश। ओए, ओए खामोश खामोश बोल के मुझे बेहोश करेगा क्या? लगता है मिमिक्री अंकल आज फिर से किसी कैरेक्टर में घुसे हुए। ओए, 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 लेकिन मुझे तो झाड़ियों में घुसा दिया ना। ओए भतीजे, ओए दुनिया गोल है, ओए मेरे स्कूटर का हैंडल झोल है। ओ रोक दे, रोक दे। जो तू करना क्या है, हैंडल आपके हाथ में, उसे सीधा करो। ओ फिकर लौट जी हो जाएगा। खामोश। किसका मुंह देखा था आज, पूरा जंगल पीछे पड़ा। मिमिक्री, तुझे बर्गर लाने के लिए कहा था, बंदर नहीं। रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो उल्टी फाइल तारे ताऊ ने पढ़नी सिखाई से। ओ ये बहादुर बंदर कैसे हो गया? रे बावड़ी बूझ, यो पुलिस थाना सह के बंदर था ना। ए खिल्लो पिल्लो, तुम यहाँ हो? ओहो मेहरबान कदरदान। मैडम जी माफ करना, ये दोनों बंदर हैं नादान। अरे बावड़ी बूझ, यो ना समझना कि हम डर गए, लेकिन अपने नादान बंदरों को थोड़ा कंट्रोल में रख। ओके मैडम जी। बंदुकनी जी कहाँ गई? अरे ये हो क्या रहा है, घर से सामान गायब है, पुलिस स्टेशन से पुलिस गायब है। अरे रे हम तो यह फाइल ढूंढ रहे, कौन कहता है कि हम गायब हुए हैं? अरे बंदूकनी जी, शहर में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस गायब ही हुई ना। मैडम जी मैं यहाँ हूँ। अरे भाइयों, यहाँ तो पुलिस खुद जेल में, तो चोर को कौन पकड़ेगा? अब बंदूकनी के होते हुए चोर की इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े चोरी, सारी पुलिस फोर्स दिन भर पहरा देगी, देखते हैं कैसे बचता है ये चोर। बहादुर जीप निकाल। रे बावड़ी बूझ, जीप नहीं जीप, जीप निकाल। हेलो भतीजे, एक हेल्प की जरूरत से। मेहरबान कदरदान, खा के बटर नान और गुलकंद पान, आ रहे हैं इस सदी के दो सबसे बड़े सुपर स्टार, टिल्लू और पिल्लू। यो, ये तो मिमिक्री भाई की चुट्टी कर देगा, जबरन स्टाइल मारता है। खामोश चपरगंजू, मिमिक्री से अच्छा एक्टर ना कोई है ना कोई होगा। हमको
अब बालकनी की टिकट मिल गई है, शो शुरू करो। रे बहादुर, सबको बता देना कि पलक झपकाना भी मना है, चोर किस रूप में आएगा कोई पता ना, लेकिन भतीजे का क्या प्लान्स है? चाचू, मैं नीचे भीड़ में छुपा रहता हूँ, जैसे ही आपको कुछ गड़बड़ लगे मुझे सिग्नल कीजिए, ओके? ओए भतीजे, फिकर नॉट, हो जाएगा। मेहरबान कदरदान, आज के जमाने की है परेशानी, दुनिया मोबाइल गेम की दीवानी, तो मेरे टिल्लू पिल्लू की भी यही है कहानी। बच्चा लोग, अब लोग नहीं कहते एक था राजा एक थी रानी। तालिया। मेहरबान कदरदान, देखो कैसे झगड़ रहे हैं दो नादान, मोबाइल गेम ने कर दिया है परेशान, टिल्लू हो गया है गुस्सा, अब छोड़ के जाएगा ये शहर, लेकिन पिल्लू को मोबाइल गेम के आगे न दिखे सिस्टर न ब्रदर। बंदर का शो तो बड़ा फनी है यार, और दिल खुश कर देता। ओहो मेहरबान कदरदान, पिल्लू का निशाना चूक गया है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। समझ में आ गई उसके ये बात, मोबाइल से ज्यादा भाई बहन का प्यारा है साथ। तो चलो, खत्म हुई भाई बहना की कहानी। बच्चा लोग बजाओ ताली, और बड़े बुजुर्ग अपनी जेब करो खाली, लाइए लाइए और तालियां बजाते जाइए। मुझे 10 रुपए के खुलने चाहिए। ओए भतीजे, बड़ा फनी शो था, ओ भाई वाह, मजा आ गया। अरे चोरी हो गई। चाचू, आपको चोर पे नजर रखनी थी। और तुम बताओ के बात से? अरे बंदूकनी जी, अब गुल्लू का शो देख के घर गए तो तिजोरी साफ हो गई थी, कुछ नहीं बचा। और चोर ने हमारे लिए सिर्फ केले के छिलके छोड़े थे। केले के छिलके? ठीक है, इब आप जाइए, हम कुछ करते हैं। अरे बहादुर, तेरी वजह से हाथ में केले के छिलके रह गए, इब मुंह मत देख, वो बैग उठा के रख दे। मैडम जी, यो बैग तो बहुत ही भारी है। बंदूकनी जी, चोर पकड़ा गया, टिल्लू पिल्लू दो बंदर और उनका सरदार मदारी गुल्लू। रे भतीजे, वो कैसे? केले के छिलके। गुल्लू अपने बंदरों को केले देकर सारा खेल करवाता है, और टिल्लू जब बैग लेके निकला था तो सर पे उठा के आराम से ले गया था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे बैग खींच के लाना पड़ा क्योंकि वो भारी था। लेकिन हम बंदरों को जेल के अंदर नहीं डाल सकते, इसलिए गुल्लू को रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। बंदूकनी जी, गुल्लू के अगले शो में हमारे पास दर्जनों केले होने चाहिए। है केले का लंगर? छोड़ के जाएगा ये शहर, लेकिन पिल्लू को मोबाइल गेम के आगे न दिखे सिस्टर न ब्रदर।
रुक्मी जी, बंगलो नंबर 4 के सेकंड फ्लोर की खिड़की में केले फेंकिए, जल्दी। ये टिल्लू तो मुझे फंसा के ही रहेगा। मेहरबान कदरदान, लगता है नाराज बिल्लू को मनाने अब मुझे ही जाना पड़ेगा। बंदूकनी जी रुक जाइए, गुल्लू आ रहा है। चाचू स्कूटर स्टार्ट करो। वो इतने फ्रूट्स तो मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं खाता। अरे बावड़ी बूझ, सर्कस में गाड़ी चलाना सीखा था के। बंदूकनी जी लेफ्ट मोड़िए और अगली गली में मेरे इशारे का वेट कीजिए, ओके? अरे बावड़ी बूझ, यहाँ लेफ्ट मार। चाचू लेफ्ट में जो आदमी बैग्स बेचने के लिए बैठा है उसके पास स्कूटर लीजिए। भैया बैग फिर से लौटाऊंगा, प्रॉमिस। ओए पतिजे, तेरा प्लान क्या है? चाचू बचपन में आपने ही तो कहानी सुनाई थी, बंदर तो कॉपी कैट होते हैं, जो सिखाओ सीख जाते हैं। कानून के हाथ और बंदूक ने की लात से कोई न बच सके है, लेकिन भतीजे टिल्लू पिल्लू का के है? वो दोनों तो अब हमारे दोस्त बन जाएंगे, देखना क्यों भाई चाचा। हाँ भतीजा।